अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग इज पावर। इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइम। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टॉपिक बिफोर आई ओ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच दोस वीडियोस कैन वॉच ऑन आवर चैनल एज दे आर अवेलेबल फॉर यू। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइन। तो बच्चों आइन क्या है? आइन बच्चों बेसिकली हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जिसे कोई ना कोई चार्ज रखती है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आइन आर आइन आर आइन्स आर दोज सीपीसी विच कैरी आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव चार्जेस। तो आयन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज, ऐसी स्पीशीज जो कोई ना कोई चार्ज रखती हो। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन्स कितनी होती हैं? वो हमारे पास दो होती हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयन, जिनको हम कैटायन का नाम भी दे सकते हैं, और दूसरे होते हैं बच्चों नेगेटिव आयन, जिनको हम एनायन भी कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव आयन्स या कैटायन हमारे पास क्या होते हैं। तो पॉजिटिव आयन्स, तो सिंपल सी बात है कि वो आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव आयन का नाम दे देंगे। तो आयन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड आइंस है, तो आर कॉल्ड पॉजिटिव आइंस आर कैटायन्स। तो बच्चों ये है हमारे पास पॉजिटिव आइंस क्या होते हैं। तो अब बच्चों इनके फॉर्मेशन कैसे होती है? तो फॉर्मेशन के लिए क्या मेथड होता है? तो अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन का हमारे पास क्या मेथड है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स, तो बच्चों जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास वजूद में आते हैं। तो व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस वन आर मोर इलेक्ट्रॉन, वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। के जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो इसके एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल देखें कि लेफ्ट हमारे पास एटम ए है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। और इस तरह हमारी जो मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम है,
मेटल्स सारी ही इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये पहले ग्रुप में आता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा तो सोडियम का कैटायन हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद बच्चों, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटम। तो कैटायन की फॉर्मेशन हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से। तो इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हमारे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट जो है कैटायन में जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो हमारे पास ये है कि जो कैटायन होता है उसके ऊपर एक चार्ज भी हो सकता है, दो चार्ज भी हो सकते हैं, तीन चार्ज भी हो सकते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन डिपेंड्स अपॉन चार्जेस, नंबर ऑफ जो वो डिपेंड करता है कि जो चार्जेस होते हैं वो कितने चार्जेस लॉस्ट हो जाते हैं बाय एटम, चार्जेस लॉस्ट बाय एटम। तो जैसे अब सोडियम है वो एक करता है तो उसके ऊपर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम है वो दो इलेक्ट्रॉन करता है रिमूव तो उसके ऊपर हमारा ये पॉजिटिव टू चार्ज है, एल्यूमिनियम है तो वो तीन कर सकता है तो ये है। तो इस तरह हमारे पास और भी एक्स की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मेन बात यह है कि नंबर ऑफ चार्जेस, ये जो नंबर ऑफ चार्ज है ये वाला, ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। ये चार्ज हमारे पास डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। तो ये था इसकी हमारे पास कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बच्चों नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं। तो आयन की सेकंड टाइप है, आयन की सेकंड टाइप हमारे पास बच्चों क्या होती है, वो होती है नेगेटिव आयन्स, नेगेटिव आयन्स आर एनायंस। तो बच्चों जो हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं, ये आयंस की वो टाइप है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस आर एनायंस। तो बच्चों ये हमारे पास है कि नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कि वो आयंस जो नेगेटिव चार्ज करते हैं हमारे पास कैरी करते हैं उस पर हम नेगेटिव
आयंस या एनायंस का नाम दे सकते हैं। तो आप हम देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, तो बच्चों सिंपल से बात है कि इसकी फॉर्मेशन के लिए कि जब एटम एक एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो हमारे पास नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट रिसीव्स आर पिक्स अप वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स then negative ions are anions are produced. Negative ions are produced. तो ये है हमारे पास anions की formation का process। या एक element का जो atom होता है वो receive करता है एक ही एक से ज्यादा electron, तो हमारे पास negative ions या anions produce हो जाते हैं। तो let's say हमारे पास कोई एटम बी फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये हमारे पास ये उसका एनायन बी नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके हम पेरियोडिक टेबल से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्लोरीन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इसके अलावा जो इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। यूनि नेगेटिव आयन का हमारे पास फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। और वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है वो भी अब मैं आपको बता देता हूं कि द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन in an atom is usually results in release of energy. इट इज ड्यू टू, यानी कि ये रिलीज ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है, रिलीज ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है कि जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस और जो इनकमिंग वन इलेक्ट्रॉन होता है उसके दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से हमारी फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक। और बच्चों ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपने इसको याद भी रखना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन हेंस formation of uninegative ion is an exothermic process। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक exothermic process होता है formation of
यूनि नेगेटिव आयन। तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आयन के बारे में, एनायन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि अब एक एटम है, अभी तक हमने पढ़ा यूनि नेगेटिव आयन, तो यूनि नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर बच्चों एक एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करे, यानी कि अगर वो टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गेन करके डाई नेगेटिव आयन बनाए तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा अगर डाई नेगेटिव आयन बने। तो डाई नेगेटिव आयन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो रिपल्शन होती है यूनि नेगेटिव आयन और सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है। उसके लिए हमारी जो है हीट रिक्वायर होती है उसको अंदर जो होता है यूनि नेगेटिव आयन में न्यू इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। तो जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास एटम गेन करेगा तो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी यूनि नेगेटिव आयन और सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन की वजह से वो हमारे पास डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो होगी वो बच्चों बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और जो यूनि नेगेटिव आयन होगी वो एक्सोथर्मिक था, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और डाई नेगेटिव आयन में हमारे पास रिपल्शन होती है जो यूनि नेगेटिव आयन और सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिसकी वजह से ये हमारे पास डाई नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। तो अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट है कि एन एटम में गेन टू इलेक्ट्रॉन्स, एन एटम में गेन टू इलेक्ट्रॉन्स टू टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई टू फॉर्म डाई नेगेटिव टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन। जो दो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है डाई नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन के लिए एक एटम, तो इस केस में क्या होगा आगे जब वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये होगा हमारे पास एंडो थर्मिक प्रोसेस। जब दो इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करेगा तो ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी हमारे पास यूनि नेगेटिव आयन, यूनि नेगेटिव आयन एंड सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस गिव रीजन। तो आपने इसमें रीजन ये दे दिया कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज रिपल्शन विल अकर बिटवीन यूनि नेगेटिव आयन एंड सेकंड इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें रिपल्शन होती है यूनि नेगेटिव आयन और बच्चों इसके डाई, तो ये हमारे पास जो एंडोथर्मिक प्रोसेस था इसमें जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन होते हैं, हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके जो एग्जांपल हम दे सकते हैं फ्लोराइड आयन, क्लोरीन का आयन, क्लोराइड और ब्रोमीन का आयन, ब्रोमाइड। तो इस तरह जैसे हमारे पास वो एक एटम्स के ऊपर हमारे पास एनायन कंसिस्ट करते हैं, इसी तरह एनायन हमारे पास बच्चों ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सल आयन, कार्बोनेट आयन और ये फास्फेट का आयन होता है, OH नेगेटिव, CO3, 2 नेगेटिव और फास्फेट का 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है।
तो इस तरह बच्चों यस एनायन का ग्रुप ऑफ होते हैं एटम, जिस तरह केटाइन्स में भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, लेकिन एनायन की ये वाली एनायन का जो ग्रुप ऑफ एटम का केस है ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो केटाइन्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम में बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है NH4 नेगेटिव पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और कार्बोकेटाइन्स जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। उसके अलावा जो बच्चों केटाइन्स और एनायन्स होते हैं वो हमारे पास आपस में इनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम देयर न्यूट्रल एटम। जैसे अब फ्लोरीन है हमारे पास, तो फ्लोरीन का जो आयन एनायन है फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन की फ्लोरीन एटम से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। इस तरह क्लोराइड आयन की क्लोरीन एटम से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। इस तरह कोई भी केटाइन हो जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का जो केटाइन है एन पॉजिटिव उसकी आपने पेरेंट एटम से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आयंस के बारे में कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस किया है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिलेटेड से तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।